अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बखैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज फ्राइडे है और मैंने सोचा कि आज का फुल डे आपके साथ शेयर करें। आज हमारा वीकेंड है, ऑफ है यहाँ पे सऊदी में, तो आज का फुल डे आपके साथ शेयर करते हैं। अभी मैं नमाज के लिए जा रहा था, फ्राइडे प्रे के लिए, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ की ग्रैंड मॉस्क खोबर की, बहुत ही खूबसूरत है। और नमाज का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, मैं लेट हूँ थोड़ा सा। हल्की हल्की बारिश भी हुई है आज सुबह, पार्किंग में यहीं कर दूंगा। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये खोबर में, इसका नाम भी मेरे नाम जैसे ही है, किंग फहद मॉस्क। अच्छा जी, नमाज पढ़ के हम फारिग हो चुके हैं और अब घर के लिए जा रहा हूँ। और मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है आज का यार, ये मौसम तो इन्जॉय करने वाला मौसम है। मेरा तो मूड हो रहा है कि आज बारबेक्यू करें, क्योंकि थोड़ा सा बारिश का भी मौसम है और बहुत ही मतलब सर्दी भी नहीं है ना ज़्यादा, तो बारबेक्यू कर सकते हैं आराम से। घर जाते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि आज बारबेक्यू किया जाए। आ जाएं तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं आज की पूरी रूटीन, और बारबेक्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। घर पे आ गया हूँ मैं और अब यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है बारबेक्यू की। मसाला लग रहा है अभी चिकन पे, अभी रेडी करते हैं फिर इंशाल्लाह जाते हैं। और अभी मैं एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ, रोमांसी अलशर किया, ये खोबर में है और इसके राइस बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग बारबेक्यू करते हैं तो हम लोग रोटी के साथ नहीं खाते हैं, हम लोग राइस लेके जाते हैं,
और उसके साथ खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। इनके राइस जो है ना बहुत स्पेशल होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इसके साथ खाने में। तो गाइस घर से रेडी हो गए थे हम लोग, ठीक है, बाकी ये कि घर से निकले हैं सामान लेके, फिर मैंने राइस लिए इसके लिए बारबेक्यू के लिए, अभी मैं आया हूँ लाइटर लेने के लिए और कोयले लेने के लिए। ये पूरी शॉप है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के, आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और शीशे का सामान सब मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे बारबेक्यू के लिए ये कोयले भी मिल गए और यहाँ से लाइटर भी लेना है मुझे। ये पूरी शॉप जो है ना शीशों के लिए, इस पर सब चीज़ें मिलती हैं, शीशे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये फ्लेवर्स हैं सारे। जी हाँ सर, लाइटर फाइट लाइटर दादा, हाँ सर आइए कम हाँ सर هذا نص يعني غير الاتجاه على طول ايش واحد شاورما سفري كلام بسرعه انت قرر والدك وين شاورما هنا على طول هذا وقت الشاي يلا تمام الحمد لله دي لايتر صحيح يا ري جو ना आराम से कोयले जल जाते हैं طبعا عندك سبع زيهم ये 20 रियल का मिला है और ये 13 रियल का। अच्छा गाइस हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे बारबेक्यू के लिए, और ये थोड़ा सा साइड में एक एरिया है, डेवलप नहीं है यहाँ पे, खाली रोड्स बने हुए, तो बहुत ही पीसफुल जगह है, यहाँ पे आराम से बच्चे साइकिलिंग कर सकते हैं और बारबेक्यू भी आराम से हो सकते हैं यहाँ पे। कॉर्नी साइड पे बारबेक्यू के लिए ना बहुत क्राउडेड होता है, एक तो अलाव भी नहीं है वहाँ पर पब्लिक एरिया में, और ये एरिया जो है बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं यहीं पे आता हूँ अक्सर ना बारबेक्यू के लिए। यहाँ पे बच्चे आराम से साइकिल वाइकिल चलाएं, बैठे फैमिलीज वगैरह अपने, लाइट्स भी लगी हुई हैं और कोई ट्रैफिक भी नहीं होता यहाँ पे, तो अच्छी जगह है, यहाँ पे करते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सामान निकाल लें, सेटअप लग गया है हमारा बारबेक्यू का, और बस अब कोयलों की तैयारी है। भूख काफ़ी लग रही है यार, क्योंकि घर से काफ़ी लेट निकले, फिर सामान कलेक्ट किया, राइस कलेक्ट करे और कोयले लिए, अब जलेंगे कोयले को। बारबेक्यू में बड़ी खुआरी हो जाती है यार कि बंदा भूखा मर जाता है, लेकिन क्या करें, इन्जॉयमेंट तो करनी है। अब ये हमारे चीफ साहब हैं बारबेक्यू के हेड हैं, आप कितनी देर में जला लोगे, हेलो कितनी देर में जलाओगे, जल्दी करो भूख लग रही है टाइट, तब मिलाओगे। अब्दुल्ला एंजॉय कर रहे हैं आप, क्या हो रहे हैं यहाँ पे, बारबेक्यू बन रहा है, वेरी गुड। आप साइकिल नहीं चला रहे, सही है। अब्दुल्ला भी भूखे हो गए हैं, अशर सो रहे हैं, चले भैया हम जरा कोयले जलाएं। अच्छा गाइस हमारा ये जो है ना तैयार हो गया, रेडी हो गया, बस अब हम बैठेंगे खाने के लिए और फिर खाएंगे इनको इंशाल्लाह। बहुत ही
अब टेस्टी तो है ये वैसे, क्योंकि हमारा मसाला स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, बच्चे खा रहे हैं अभी, बच्चों का रेडी हो गया, अब हम लोग बैठते हैं खाने के लिए। अच्छा दस्ता खाना हमारा रेडी हो चुका है, और अब हम ये करेंगे कि दिखाएंगे आपको इसका ये तरीका है कि आप चावल डालो नीचे। डालो भाई, अभी हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अब हम वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं गाड़ी में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।